सो गाइस, तो आज की फोटो में कुछ इस तरीके की एडिटिंग करने वाले हम लोग। एंड सिंपली आ जाते हैं स्केच बुक की तरफ। एंड यहाँ पर से मैं जो बैकग्राउंड है उसको हम कर लेते हैं ऐड। एंड यहाँ पर से ऐड फोटो में जाके अब मॉडल को जो है ऐड कर लेना हम लोगों को। बहुत ही बढ़िया, मैं कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर से अब मॉडल को मैं ऐड कर लेता हूँ। अगर अभी तक आपने बैकग्राउंड रिमूव करने की वीडियो नहीं देखी तो ये वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पर से देख लीजिएगा। तो मैंने बैकग्राउंड जो है मॉडल का रिमूव कर दिया है। एंड इसको कर लेते हैं एडजस्ट। बहुत बढ़िया, यहाँ पर से कर लेना है डन। और इसके बाद आपको यहाँ पर एम्प्टी लेयर बना लेनी है। एक प्लस वाले आइकन पर चले जाना है। सो गाइस, तो यहाँ पर से आपको लेयर बना लेनी है। एंड यहाँ पर से एक ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। बहुत बढ़िया, ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। एंड सेटिंग पे जाना है। एंड ये वाली आपको सेटिंग रख लेनी है। आप चाहें तो इसके स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ पर से डन कर लेना है हमें। और उसके बाद यहाँ पर से एम्प्टी लेयर पे जाके नॉर्मल वाले उसमें सॉफ्ट लाइट कर देना है। यहाँ पर से ओपेसिटी जो है ब्लाइंडिंग मोड। एंड यहाँ पर से ओपेसिटी हम यहाँ पे -19 के अराउंड रखेंगे, 77 रख देते हैं। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर से मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, जो यहाँ पे हम फेस को गोरा करने में यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पर से जो मैं हर बार कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ वही वाला मैं कलर यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर से कर लेते हैं डन। एंड मॉडल के फेस पे जो है ब्रश करना मैं स्टार्ट कर देना है। इससे जो है ना, आप लोगों ने और भी मेरी वीडियो देखी होंगी तो यहाँ पर से फेस जो है बहुत ही अच्छा ब्राइट हो जाता है। बाय द वे, अगर आपने अभी फेस स्मूथनिंग की वीडियो नहीं देखी तो आप ये वाली जाके जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। मैं फेस स्मूथिंग की वीडियो बना चुका हूँ, बहुत ही ऑसम वीडियो है। एंड अगर आपने अभी हेयर भी नहीं सेट करने वाली वीडियो देखी तो आप उसको भी देख लीजिएगा, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन पे है। बहुत ही बढ़िया, मैं फटाफट से कर लेता हूँ यार फेस को स्मूथ, सॉरी ग्लो करना है। तो यहाँ पर से मैं पूरे उसमें पेंट कर लेता हूँ। बहुत ही बढ़िया, मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है ताकि वीडियो लंबी ना बने गाइस। तो मैंने पूरे फोटो में हमने यहाँ पर से पेंट कर लिया है। बहुत ही बढ़िया, हमारे मॉडल का जो फेस है वो काफ़ी अच्छा ग्लो कर रहा है। एंड यहाँ पर से लाइब्रेरी पे जाके एक ब्रश कर लेना है, जिससे हम अपने मॉडल के जो है हेयर को भी थोड़ा सा सेट करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, सेटिंग हमको यहाँ पर सही कर लेनी है। एंड जो फ्लो है उसको रखेंगे हम 8 के अराउंड या 10। एंड स्ट्रेंथ जो है उसको भी मैं 9 के अराउंड रख देता हूँ। एंड थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं। बहुत बढ़िया, एंड कुछ इस तरीके से ब्रश करना जो है स्टार्ट कर देना है। बहुत बढ़िया, अपने मॉडल के जो हमारे हेयर है मॉडल के, वो काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक हेयर वाली वीडियो नहीं देखी हमारी तो ये वाली वीडियो को ज़रूर से चेकआउट करिएगा। उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बताया कि किस तरीके मॉडल के जो है हेयर कैसे सेट कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, कर लेते हैं फोटो में। एंड यहाँ पर से मैं सी वी एडिटिंग करने वाला हूँ, तो ये जो मॉडल के कपड़ों में जो चमक है उसको लाएंगे हम। पहले इसको कर लेते हैं, शेयर कर देते हैं स्नैपशीट की तरफ अपने मॉडल की जो पिक है। यहाँ पर से मैं स्नैपशीट में फ़ोटो को जो है शेयर कर दूंगा। वहाँ पर से अब सारी एडिटिंग करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी कमाल की है। एंड यहाँ पर से पेंसिल वाले टूल्स पे चले जाना है। एंड सिलेक्टिव टूल हमें सेलेक्ट कर लेना है, जो कि आपको मैंने और भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर से सिलेक्टिव टूल कैसे यूज़ करना है बता चुका हूँ सिंपली। एंड यहाँ पर से राउंड सर्किल बना लेना है। एंड ब्राइटनेस थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी है। एंड कंट्रास्ट माइनस कर देना है हमें फेस में। एंड सिचुएशन भी माइनस कर देंगे हम। स्ट्रेंथ हमें माइनस कर देना है, सारी चीज़ें माइनस कर देनी। बहुत बढ़िया, एंड इसको कर लेते हैं डन। एंड हम यही चीज़ हम जो है सिलेक्टिव टूल का यूज़ करके अपने कपड़ों में भी चमक लाएंगे, तो आपको मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से कर लेना है। एंड यहाँ पर से आप, मैं अपने हैंड को भी ग्लो कर लेता हूँ इसी ट्रिक को। एंड जो अपने कपड़ों में सिलेक्टिव टूल को सिलेक्ट करके जो स्ट्रक्चर है ना गाइस, उसको हम पूरा प्लस कर देंगे एंड सिचुएशन हाई कर देंगे। तो ये प्रोसेस बहुत ही गजब का है। एंड इससे क्या है, आपके कपड़ों में जो है चमक आ जाएगी। एंड स्ट्रक्चर जो है उसको फुल कर देंगे तो काफ़ी अच्छी शार्पनेस देखने को मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया, जो गाइस हमारी फोटो है ना काफ़ी अच्छी बनने लगी है। एंड आप देख सकते हैं मैं इस तरीके सेलेक्टिव टूल का यूज़ करके काफ़ी अच्छी अपने कपड़ों में चमक इसी तरह लाता हूँ गाइस। तो बहुत ही बढ़िया, कुछ इस तरीके से पूरे अपने कपड़ों में कर लेना है। मैं फटाफट से कर लेता हूँ। और अभी तक हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, एंड मेरी यूज़र आईडी आ रही, तो आप वहाँ पर से फटाफट जाइए एंड इंस्टा में फॉलो कर लीजिए, काफ़ी अच्छी टिप्स मिलती रहती हैं गाइस। बहुत ही बढ़िया, सिलेक्टिव टूल का यूज़ करके हमने अपने कपड़ों में शार्पनेस बहुत ही अच्छी ला दी है। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ, बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखाऊंगा, देख लीजिए बिफ़ोर एंड आफ्टर, बहुत ही बढ़िया। एंड फिर मैं पेंसिल वाले आइकान पे जाऊंगा। एंड इस बार मैं करने वाला हूँ यार गाइस SDR। एंड SDR से हमारे कपड़ों में बहुत अच्छी शार्पनेस एंड कलर आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने SDR सेलेक्ट कर लिए। एंड यहाँ पर से जो है फिल्टर स्ट्रेंथ जिसको बढ़ा लेते हैं, एंड ब्राइटनेस को सेट कर लेते हैं अपने फोटो के हिसाब से। एंड सिचुएशन मैं थोड़ी सी बढ़ा लूँगा। बहुत ही बढ़िया,
एंड इसके बाद यहाँ पर से हम कर देंगे इसको डन। एंड व्यू एडिट पे जाके यहाँ पर से अब ब्रश टूल हमें सिलेक्ट कर लेना है। एंड ब्रश टूल सिलेक्ट करने के बाद इसको फोटो को कर देना हमें इन्वर्ट। एंड जो फेस में हमारे जो सेचुएशन आ रही है उसको हम माइनस फटाफट से इरेज कर देंगे। बहुत ही बड़े हमारे फेस से जो है हमको इरेज कर देना है। एंड जो सारी चमक है एंड सिचुएशन है वो हमारे कपड़ों में एंड बैकग्राउंड में रहने वाली, ताकि बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड एंड कपड़ों से मैच कर जाए। तो सिंपली इसको भी कर लेते हैं डन। एंड फिर से पेंसिल वाले आइकान पे जाएंगे एक बार। एंड यहाँ पर से मैं कुछ टोन इमेज सेलेक्ट करने वाला हूँ एंड इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ब्राइटनेस एंड सिचुएशन वगैरह। तो फटाफट से कर लेते हैं, थोड़ा सा सिचुएशन बढ़ाएंगे एंड वॉर्म्स चले जाएंगे। एंड वॉर्म्स को थोड़ा सा माइनस के राउंड रखेंगे हम, ताकि काफ़ी अच्छा हमारा कलर कॉम्बिनेशन बन जाए फोटो में। तो बहुत ही बढ़िया, मैं कर लेता हूँ डन। एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा और एक आपको बोनस ट्रिप बता देता हूँ, टिप्स। तो वो रहने वाली है यहाँ पे टर्नर कंट्रास्ट। तो यहाँ पर से जाना है एंड जो हाई टोन्स है उसको मैं थोड़ा सा सेट करने वाला हूँ। एंड उसके बाद जो लो टोन्स है उसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, बहुत बढ़िया। एंड जो नीचे वाली हाईलाइट्स है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेट करूँगा, बहुत बढ़िया। 20 के राउंड रख देता हूँ, सिंपली कर देता हूँ डन। एंड आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर हमारी फोटो बन चुकी है। एंड अब यहाँ पे मैं करने वाला हूँ थोड़ा सा बिफोर एंड आफ्टर, फोटो बन चुकी है एंड मैं इसको कर लेता हूँ सेव। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहें।